हाय गाइस, अभी मैं आपको एक बता रही हूँ सिंपल मेकअप कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए सीखते हैं हम सिंपल एक मेकअप कैसे कर सकते हैं वो। तो उसके लिए सबसे पहले मटेरियल लगेगा, सबसे पहले हमें लगेगा फेस वॉश, क्लिनजिंग मिल्क दे बेटा कितना, क्लिनजिंग मिल्क और बर्फ, उसके बाद प्राइमर, उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद ये फाउंडेशन, इनसाइड का है ये फाउंडेशन स्पंज, और उसके बाद तो जो हमें लगता है वो सब कॉम्पैक्ट है, आई शेडोज है, फिर क्या बोलते हैं ग्लिटर काजल और मस्करा आईलाइनर, सब हमें ये सब चीज़ें लगेगी नॉर्मल। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंपल मेकअप करना। सबसे पहले फेस वॉश से फेस साफ कर लेंगे। साफ कर रहे हैं हम और अब क्लिनजिंग मिल से फेस को वाइप कर लेंगे पूरा। इसके बाद हम आइस का मसाज देंगे ताकि मेकअप टिक रहे, ठंडा लग रहा है। कॉटन दे बेटा, बेटा आप सामने से लो, इधर से लो, सामने से स्टूल दे दो उसको पाँव रखने के लिए, मॉडल बनी है ना। पाँव के लिए स्टूल दे देना इसको, नहीं है, नहीं है। जब तक फेस क्लीन साफ मतलब ड्राई ना हो जाए तब तक हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। दूसरा कॉटन दे, ये मॉडल अभी जो बोलेगी वो सुनना पड़ेगा आपको, पाँव के लिए स्टूल चाहिए रखने। तो गाइस सबसे पहले हमने फेस को फेस वॉश किया, उसके बाद क्लिनजिंग मिल से फेस को वाइप किया और बर्फ का मसाज किया। अब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर हम फाउंडेशन लगाएंगे। तो फाउंडेशन में मैं ले रही हूँ ये वाला इनसाइड का फाउंडेशन। जमा खड़े हो जाओ अम्मा जी करो, इस तरह से उधर चले जाओ ना यार, कोई बात नहीं इतना आए तो भी बस है। फेस प्रॉपर हमें आना चाहिए और स्पंज से गाइस अच्छे से फाउंडेशन पूरा सब भी लगा लीजिए, और नेक और कान वगैरह को अवॉइड नहीं करने का, वहीं पे भी अपन ने पूरा। और गाइस एक और बात, आप जब भी मेकअप करते हो ना तो आपने हैंड्स, अगर आपके स्लीवलेस है तो अपने हैंड्स पे भी मेकअप कर लेने का साथ साथ में। मैंने ये फाउंडेशन पूरा लगा लिया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले प्राइमर लगाते हैं
और मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन अभी ठंडी की सीजन है और स्किन ड्राई ड्राई लगेगी, इसलिए हमने पहले फाउंडेशन स्किन पे पूरा लगा लिया। अब इसके ऊपर हम प्राइमर लगाएंगे ताकि पूरा मेकअप अपना सेट हो जाए। ये लिया है मैंने प्राइमर, हम इस तरह से करेंगे ना तो अपना मेकअप पूरा अच्छे से फाउंडेशन पूरा सेट हो जाएगा और स्किन ऐसी फटी फटी नहीं दिखेगी, अच्छी दिखेगी। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, एकदम लिटल लिया है मैंने थोड़ा सा। ये हमारा फाउंडेशन पूरा सेट हो गया है और देखिए बिल्कुल स्किन ड्राई नहीं लग रही है, एकदम नाइस लुक आ गया है। थोड़ा सा मेकअप स्पंज फिर से इसके ऊपर टैपिंग कर लेंगे हम, थोड़ा मेकअप स्पंज में अपना फाउंडेशन था ही ना, तो इस तरह से टैपिंग कर लेंगे हम ताकि पूरा अच्छे से तो गाइस ये हमारा बेस रेडी हो गया है मेकअप का। इसके बाद हम कॉम्पैक्ट लगाएंगे, मैंने ये वीओवी कंपनी का लिया है कॉम्पैक्ट, सिंपल सा हमने थोड़ा सा टैपिंग करना है बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने पूरा बेस तो बहुत अच्छे से रेडी कर लिया है। हाँ खोल दो बेटा आँख में सुपर देख, गाइस आपको लगाने की गरज नहीं है। स्टॉप कर रही हूँ, जब मेकअप करने लगोगे तब वो करते हो, इसलिए स्टॉप कर रही हूँ। बोल के स्टॉप कर रही थी, चल जा। नहीं नहीं तेरे को कहाँ से भेजूंगी, इतना बड़ा भेजूंगी। अब इसके ऊपर हम काजल अप्लाई करेंगे, लाइट काजल करना है। इसने ग्रे कलर का ड्रेस पहना है तो हम आंखों को ग्रे कलर का थोड़ा सा स्मोकी लुक देंगे। और इसे अच्छे से हाथ से ब्लेंड कर देंगे। देखिए गाइस इस तरह से उसके ड्रेस के साथ हमने मैच कर लिया है और पूरा ब्लेंड कर दिया है। उसी तरह मैं दूसरी आंख पे भी कर लूंगी।
हमें आंखों को कर्व दिखाना है आंखों का, इसलिए हम इस तरह से उसको डीपली पूरा बैक साइड तक करेंगे। ओके, थोड़ा सा ग्लिटर लगा देती हूँ गोल्डन कलर का। आप कुछ भी कीजिए गाइस, लेकिन उसको ब्लेंड अच्छे से कर देने का। हम लगाएंगे आईलाइनर। और गाइस आईलाइनर लगाते वक्त ही आईलैशेस को थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि अगर मेकअप किया है हमने थोड़ा सा आईशेडो वगैरह लग गया रहता है आईलैशेस को, तो थोड़ा सा ऊपर से उसको आईलाइनर ब्रश से ही क्लीन कर डालने का। उसके बाद हम लगाएंगे मस्करा, इनसाइड का मस्करा है ये मेरा। मेरा ऊपर मत देखो, ऊपर मत देखो। आधा काम हमारा तभी हो जाता है जब हम आईलाइनर लगाते हैं ना, तो जब हमने आईलाइनर उनको लगाया है तो आईलाइनर पूरा ऊपर से भी बालों को लगा दिया आईलैशेस को, तो हमारा आधा काम तो वहीं फिनिश हो जाता है। उसके बाद हमारा सिर्फ आधा काम रहता है, तो थोड़ा सा हम मस्करा लगा देंगे। ठीक है, अगर हमारा मेकअप गिरा है तो हम थोड़ा सा उसको अच्छे से कर देंगे। आईब्रोज को थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। मेरी क्लाइंट की आईब्रोज पूरी तरह नेचुरल है, तो उसने करवाई नहीं है आईब्रोज, इसलिए उसकी आईब्रोज उसी तरह से दिखती है। पानी आ रहा है बेटा आँखों से, आप बंद कर दो। बस लास्ट स्टेप हमें सिंपल सी लिपस्टिक लगानी है। बंद रखो, स्मेल भी इसका है ना, स्मेल अच्छा है ना। तो गाइस हमने सिंपल मेकअप किया है, इसलिए हमने सिंपल सी लिपस्टिक लगाई है। आप चाहो तो बिंदी लगा सकते हो, और नहीं चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, विदाउट बिंदी भी अच्छा दिखेगा। बस अभी हमारा लास्ट स्टेप एक बचा है, ब्लशर लगाने का। कौन दे बेटा, तो
थोड़ा सा हम ब्लशर गाल पे लगा लेते हैं पिंक कलर का। और गाइस थोड़ा सा नोज पे हम हाइलाइटर लगाएंगे। तो यहाँ ये पोर्शन नोज और ये पोर्शन पे मैंने हाइलाइटर लगा दिया है और हमारा मेकअप पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो गाइस मेरी मॉडल को मैंने कैसे तैयार किया, बहुत प्यारा बच्चा है। तो गाइस ये मैंने सादा सा मेकअप किया है, आँखों का स्मोकी आइज थोड़ा सा बनाया है, सिंपल सा मेकअप किया है मेरी मॉडल का। और इसी तरह से हंसते खेलते हमारे पार्लर में हम लोग सब सीखते हैं। मम्मी को सोने नहीं मिला आज। तो गाइस इसी तरह से क्लासेस चलते रहते हैं। अच्छे से मेकअप किया है और उसके एज के हिसाब से मैंने उसको लाइट लिपस्टिक लगाई है, पर आप चाहो तो डार्क डार्क लिपस्टिक लगा सकते हो। तो गाइस आगे हम लोग सीखेंगे ऑयली मेकअप वगैरह करना। ओके गाइस बाय बाय एवरीवन, बाय। मेकअप सीख के हो गया है। तो आपको अगर मेरा मेकअप ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे ऑयली मेकअप करना। ओके गाइस तो मिलते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज नई नई वीडियोस देखने को मिलती रहे मेकअप के बारे में, ब्यूटी के बारे में और बाकी सब चीज के लिए। आज क्या हुआ फ्रेंड्स, हम लोग दोपहर के 2 बजे से वीडियो बनाने के चक्कर में थे पर वीडियो बन ही नहीं पा रहा था। मैंने कपड़ा चेंज करने के लिए ये किया लेकिन क्लाइंट आ रही थी, फिर वो ऐसा करते करते हमें 5 बज गया और 5 बजे के बाद ना अब मैंने मेकअप स्टार्ट किया 5 o'clock को, तो 5:15 बजे मैंने क्लियर ये किया, मेकअप फिनिश किया और मैं ना सब भूल गई थी, मतलब मुझे जो जो बोलना है वो सब भूल गई थी क्योंकि क्लाइंट की गड़बड़े से हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लाइंट आती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लाइंट आती है। तो मुझे अभी ना और एक भी चीज़ वहाँ पे प्रॉपर मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने सारा चीज़ सिस्टमेटिक लगा के रखा था कि इसके बाद ये चीज़ चाहिए इसके बाद ये चीज़ चाहिए, पर जब मैं करने गई ना वहाँ से पूरा अस्त व्यस्त क्योंकि क्लाइंट का सारा सामान हो गया था उसके ऊपर और कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे, ना काजल मिल रहा था जगह पे, ना आईलाइनर मिल रहा था, ना हाइलाइटर मिल रहा था। गाइस ऐसे सब गड़बड़ हुआ। तो आज का वीडियो इस तरह से मेरा बना है, जैसा भी बना है आप प्यार दीजिएगा उसको। ओके गाइस तो आप देख लीजिएगा कि कैसे करना है। और मैंने पहले फाउंडेशन लगाया उसके बाद प्राइमर और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाया ताकि मेकअप पूरा सेट हो जाए। इसके बाद आप लास्ट में मेकअप फिक्सर स्प्रे मार सकते हैं, किसी किसी को पसंद आता है मेकअप फिक्सर स्प्रे मारना, किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं वो नहीं दिखा रही हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से वो सब दिखाऊंगी। ओके गाइस तो बाय। और ये पूरी मेरी कैमरामैन थी, इसने पूरा वीडियो शूट किया है। जैसा भी किया है गाइस अच्छा ही किया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।